यो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सत्ताईस लॉस। तो आज हम हाइनिक्स की 2 GB DDR3 रैम के बारे में जानेंगे, बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही खोल कर रख दिया था, बस भाई दिखाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये रहा अपना रैम। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 GB PC3 मतलब DDR3 रैम जो कि मैंने मंगाया है हाइनिक्स की। तो भाई क्वालिटी तो कई अच्छा दिख रहा है इसका, अब ट्राई करके देखते हैं। बट मैंने इसे अमेजोन से मंगाया है, उसमें मुझे ये ब्लू कलर का दिख रहा था इसमें, तो कोई मुझे ज़्यादा ब्लू ब्लूइश कलर नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी जो मेरा ओल्ड दूसरा 8 GB का रैम था ख़त्म हो गया। तो चलिए भाई अब हम इसे फिट करते हैं। तो DDR3 मेरा मदरबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको स्टिकरिंग दिख रही है वो इस साइड आएगी। यहाँ अपन लगाते हैं इसे। तो यहाँ लग चुका है, अब ट्राई करते हैं देखते हैं। मैं बता देता हूँ, ये है हाइनिक्स का 2 GB DDR3 1600 MHz का रैम। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर में रैम 4 GB दिखा रहा है, जो कि 3.89 GB अपन यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम मेरा 64 bits, तो मैंने अभी के लिए 2 GB रैम एडिटिंग के लिए मंगवाया है। मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो हो चुका था 2 GB रैम में, तो अभी टोटल 4 GB हो चुका है। तो कंप्यूटर की पावर बहुत इनहेंस हो चुकी है। और तो भाई अगर आप मेरे से पूछते हो, तो मैं आप अगर 2 GB रैम ले रहे हो तो ऑनलाइन आप इसी को प्रेफर कर सकते हो। मैं इसे 560 rupees में ख़रीदा है, और अगर आप इसे ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदेंगे तो आपको ये मिनिमम 1000 या उससे अबव पड़ेगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि मैं ऐसी और वीडियो लाते रहूं। और लाइक ज़रूर करना, शेयर कमेंट भी ज़रूर करना, और साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ अगली वीडियो रॉयल इनफील्ड की डिलीवरी और इसकी फर्स्ट सर्विसिंग में आ रही है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।